गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को मैं कंप्यूटर में जो पहला भाग मैं बताया था उसके बाद आज मैं कंप्यूटर का दूसरा भाग बताऊंगा। पहले भाग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का जन्म कहाँ से हुआ, कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, मॉडर्न पहली पीढ़ी कंप्यूटर में कितने ऊर्जा का खपत होता था, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर कैसा था, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर कैसा था, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर कैसा था, पांचवी पीढ़ी यानी मॉडर्न कंप्यूटर कैसा है, ये सारी चीजें मैं पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। जिसको ये जानना हो कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास, वो हमारे पहले पार्ट को देख सकता है। और आप लोग से ये ध्यान दीजिए, अगर मेरी सारी वीडियो देखनी है, अगर वीडियो को आसान भाषा में जब मैं वीडियो डालूंगा अगर प्राप्त करना हो तो वीडियो के को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल का आइकन तो जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आज क्या पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, विंडो स्टार्ट मेनू के बारे में। जब कंप्यूटर आपका इंस्टॉल रहता है तो कैसे विंडो का स्टार्ट मेनू कैसा होता है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए मुझे सब्सक्राइब बटन नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो सब्सक्राइब बटन जब आप मोबाइल में देखेंगे तो देखिए या यहीं पे इस तरह लाल का इस तरीके का बना रहता है, रेड कलर का यही रहता है सब्सक्राइब, इसको आप प्रेस कर दीजिए एक बार और बगल में ऐसे बेल घंटी बनी रहती है, इसको दबा दीजिए तो ये आपका बेल आइकन हो गया, ठीक है। आप सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं, और ये इस तरह देखिए ऊपर लाइक का बटन होता है, इस पर लाइक कर दीजिएगा और शेयर आप कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, और उसे भी टाइम टाइम पे मिलती रहेगी। चलिए आगे आज का की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है टास्क बार। टास्क बार होता क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। टास्क बार में सबसे महत्वपूर्ण भाग विंडो स्टार्ट मेनू होता है। विंडो स्टार्ट मेनू कौन सा, ये है देखिए, ये कोने पे यहाँ पे ये देखिए, ये स्टार्ट मेनू है, ये इस तरह कोने पे। टास्क बार में सबसे महत्वपूर्ण भाग विंडो स्टार्ट बटन होता है जो बाएं कोने में स्थित होता है। देखिए बाएं कोने में ही है। स्टार्ट बटन को दबाने पर जो मेन्यू ओपन होती है, यानी इस पे क्लिक करने के बाद जो मेन्यू उत्पन्न होगी उसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। इसकी बनावट और दिखावट में विंडो वर्जन और मैन्युफैक्चरर पर निर्भर करती है। इसमें क्या होता है, विंडो का अलग अलग वर्जन अलग अलग तरीके का होता है, ठीक। अब देखिए स्टार्ट मेन्यू का उपयोग यूजर द्वारा निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। अब स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग हम लोगों द्वारा आपके द्वारा कहाँ कहाँ किया जाएगा पहले ये जान लो आप लोग। कारण जब कंप्यूटर चालू कर लिए तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू का ही काम आता है। आप लोग जान लीजिए ये क्या है, कंप्यूटर खुलेगा दिखाई क्या पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट मेन्यू द्वारा आप किसी प्रोग्राम एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप यही स्टार्ट मेन्यू क्लिक करेंगे तो अगली साइड में दिखाऊंगा कि बगल में सारी चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। दूसरा क्या होता है, ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फोल्डर, इस्तेमाल कोई भी चीज ज्यादा बार अगर आप इंस्टॉल कर इस्तेमाल करते हैं तो सामने सीधा इसे दिखाई पड़ने लगता है स्टार्ट मेन्यू ही, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या है, कंप्यूटर सेटिंग को एडजस्ट करने। अब जैसे मोबाइल में आप लोग सेटिंग जाकर सेटिंग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसकी सेटिंग कंप्यूटर की सेटिंग आप कभी जान ही नहीं पाते कि कहाँ होती है, आप खोजते रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि कंप्यूटर की सेटिंग आपकी कहाँ होती है, इसी स्टार्ट मेन्यू की बटन पर क्लिक करेंगे अंदर आएगा, वहीं पर रहेगा। मैं अभी आगे दिखाऊंगा कैसे दिखाई पड़ता है, ठीक है। और कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए भी यही बटन होता है, विंडो को लॉग ऑफ करने के लिए भी यही बटन होता है, और विंडो की ओएस मदद लेने के लिए सॉफ्टवेयर अगर कोई इंस्टॉल किए हैं उसको अनइंस्टॉल करना हुआ, अपडेट करना हुआ, उसको भी यही प्रोग्राम से ये विंडो फाइल क्लिक करेंगे तो मिलेगा, ठीक है।
स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए या कीबोर्ड और की बोर्ड से विंडो की को प्रेस कीजिए। मतलब अगर स्टार्ट अगर आप कंप्यूटर अपने साथ लेके बैठे हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे करिए आप जान जाएंगे। पहले लैपटॉप चालू कर लीजिए या कंप्यूटर चालू कर लीजिए। ये देखिए बाएं तरफ कोने पे एक विंडो है, एक विंडो का बना होगा या उस पर आप क्लिक करिए तो आपको सारी चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। कैसी दिखाई पड़ेंगी देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। देख रहे हैं ये ऐसा आपको दिखाई पड़ने लगेगा, ऐसा दिखाई मतलब तीनों चीजें एक ही हैं। मैं अलग अलग चीज के लिए मैं यहाँ रखा हुआ हूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखते हैं आगे। यहां पे देखिए ये आपका जो ग्रीन तरीके का है, ये ग्रीन बना हुआ है सर्च बॉक्स से। पहले लेफ्ट पैन देख लेते हैं, सुबह तरफ से आते हैं। लेफ्ट पैन स्टार्ट मेनू का सबसे पहला भाग होता है। इस पेन में कंप्यूटर प्रोग्राम की सूची होती है जो मैन्युफैक्चरर यानी जो कंप्यूटर बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर के अनुसार कुछ अलग अलग भी हो सकती हैं। शुरुआत में तो इस सूची में कम ही प्रोग्राम होते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये सूची बढ़ जाती है। ऐसा दो कारणों से होता है, पहला यूजर द्वारा नए प्रोग्राम इंस्टॉल करना और दूसरा यूजर जिन प्रोग्राम को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें भी विंडो की सूची में जोड़ देती है। यानी कि अगर यूजर किसी भी प्रोग्राम को यूजर यानी हम लोग किसी चीज को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसको इस विंडो में कंप्यूटर ऑटोमेटिक जोड़ देता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, ये आपका लेफ्ट पैन है जो वाइट वाइट है और ये जो आपका ब्लू ब्लू हल्का हल्का है ये आपका राइट पैन है। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे सर्च बॉक्स कौन सा है, ये जो ग्रीन से है ये सर्च बॉक्स है आपका। कोई प्रॉब्लम? ये जो ग्रीन ग्रीन है ये आपका सर्च बॉक्स है। देखिए सर्च बॉक्स बारे में क्या बता रहा है, बताया जा रहा है स्टार्ट मेनू के बाएं भाग के बिल्कुल नीचे सर्च बॉक्स होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में स्थित प्रोग्राम और फाइल को सर्च करना है। इसका काम क्या है कि कंप्यूटर में अगर कोई फाइल डायरेक्ट नहीं मिल रही या कोई फाइल खोजना जल्दी है आपको, तुरंत आप जाइए अगर उसका नाम याद है, जैसे जैसे आपको याद है कि आप कोई भी प्रोग्राम करना है आप उसमें सर्च करिए मिल जाए। जैसे एमएस ऑफिस डाल दिया, एडोब फोटोशॉप डाल, जो भी आप उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं उसमें आप सर्च का ऑप्शन डाल के सर्च पे क्लिक कर दीजिए, आपको सामने दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, अब है आपके राइट पैन की बात। राइट पैन आपका देखिए ये है, राइट पैन कौन सा? ब्लैक वाला है। ठीक है, राइट पैन में क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले अभी तक अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करेंगे, ये देखिए रेड वाला बटन है इस पे क्लिक करिए और वेल का आइकन यहाँ है इसको दबा दीजिए। ठीक है, और लाइक वाला यहाँ रहता है इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब आगे राइट पैन के बारे में जानते हैं। राइट पैन देखिए ये ब्लू वाला राइट पैन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट मेनू के दाएं तरफ वाले भाग को राइट पैन कहा जाता है। इस राइट पैन के द्वारा कंप्यूटर सेटिंग्स, फीचर्स, ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फाइल्स तथा फोल्डर तक पहुंचा जा सकता है। मतलब यहां से विंडो पार्ट्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब राइट पैन की स्थिति क्या होती है, कहां होता है, देखिए इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है, आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है राइट पैन की, इसके बारे में जान लीजिए। राइट पैन में होता क्या क्या है, पर्सनल फोल्डर, देखिए यहाँ जो एड्रेस लिखा है यानी पर्सनल फोल्डर, यही पर्सनल फोल्डर है, आपको एड्रेस जो करके लिखा हुआ है। ठीक है, यह सबसे पहला भाग होता है और यूजर अकाउंट का नाम भी इस फोल्डर के नाम होता है।
ठीक है। इस फोल्डर में यूजर स्पेसिफिक डाटा होता है। इस फोल्डर में क्या होता है, जैसे हम लोग जो भी बिना कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे ऑनलाइन इंटरनेट से कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ टाइप कर रख देते हैं, सारी चीजें जितनी भी डॉक्यूमेंट की चीजें हैं लगभग लगभग इसमें मिल जाती है, या जो भी चीजें हम सेव करते हैं तो ये स्पेसिफिक डाटा इसमें रहता है। डॉक्यूमेंट, यह लिंक डॉक्यूमेंट फोल्डर को ओपन करती है, जिसमें डॉक्यूमेंट फोल्डर में हमारा क्या जाता है, जो कि स्पेसिफिक फोल्डर में पर्सनल फोल्डर में क्या जाता है, सारी चीजें हम जितना क्रिया करते हैं, जितना क्रियाकलाप इवन मूवी देखते हैं या फिर नेट सर्फिंग करते हैं या फिर आप कोई प्रोग्राम फोटो बनाते हैं या कोई गेम खेलते हैं, सारा डाटा पर्सनल फोल्डर में सेव रहता है। सेकेंड ऑप्शन आपका होता है आपका डॉक्यूमेंट, देखिए सेकेंड आपका डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट यह लिंक फोल्डर को ओपन करती है, जिसमें मतलब डॉक्यूमेंट ऐसे फोल्डर को ओपन करता है जिसमें टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन आदि स्टोर रहते हैं। अभी ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आपको टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन खोजना हो तो आप सीधा डॉक्यूमेंट में जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक मोबाइल जैसा ही काम करता है। अगला ऑप्शन है पिक्चर, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी अगला ऑप्शन पिक्चर है। यह पिक्चर फोल्डर को ओपन करती है, जिसमें पिक्चर के ग्राफिक्स, वीडियो और फोटोज होते हैं, ठीक है, जिसको ओपन किया जा सकता है, जिसमें सेव रखा जा सकता है, इमेजेस रखी जाती हैं, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है गेम, तो सॉरी चौथा ऑप्शन इसमें गेम दिया हुआ है। एक ऑप्शन म्यूजिक भी होता है, ठीक है, म्यूजिक भी यही रहता है। म्यूजिक में यहाँ ऑडियो फाइल्स, जैसे आप गाने सुनते हैं, जो भी ऑडियो फाइल्स रहती हैं यहाँ सेव रहती हैं। उसके बाद आपका गेम आता है, कंप्यूटर में जो विंडो के साथ इनबिल्ड गेम होता है वो यहाँ पे होता है, जो विंडो के साथ इनबिल्ड गेम होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो विंडो के साथ इनबिल्ड गेम होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, जैसे चेस होता है और आपका रम्मी होता है, ये सारे गेम्स ये कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ड रहते हैं, अलग अलग विंडो में अलग अलग तरीके के गेम होते हैं। उसके बाद नंबर आता है कंप्यूटर का, देखिए कंप्यूटर आप ये माई कंप्यूटर के नाम से आपको दिखाई पड़ता है डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर के नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है आपका, इसमें आपके सारे ड्राइव होते हैं, सारे डाटा इसी में आपको ए बी सी डी ड्राइव के रूप में दिखाई पड़ते हैं, सारी चीजें आपके पूरे कंप्यूटर का स्टोरेज इसी में होता है। आप कोई भी सेटिंग प्रिंटर से लेके कैमरा से लेके हार्ड डिस्क डिवाइस सारा चीज इसी आपके कंप्यूटर में होता है। अगला है कंट्रोल पैनल, देखिए इसमें देखिए अगला है कंट्रोल पैनल, उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर, उसके बाद डिफॉल्ट प्रोग्राम, देखिए अगला है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बारे में देखिए, ये देखिए इस फोल्डर द्वारा कंप्यूटर की अपीयरेंस फंक्शनरी यानी कि कंप्यूटर की उपलब्धता और कंप्यूटर कैसे कार्य करेगा उसकी सारी चीजें, इसके अलावा कस्टमाइज मतलब कंप्यूटर में क्या संशोधन करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है, क्या कंप्यूटर में रखना है क्या नहीं रखना है, सारा चीज कंट्रोल पैनल में रहता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है डिवाइस एंड ड्राइवर, यहां से आप कंप्यूटर इंस्टॉल डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ से किसी कार्य विशेष को डिफॉल्ट प्रोग्राम, यहाँ से किसी कार्य विशेष को करने के लिए डिफॉल्ट प्रोग्राम की सेटिंग की जा सकती है। जब आप बड़े लेवल कंप्यूटर जान जाएंगे तब, जैसे मान लीजिए सीसी आप कर रहे हैं या कोई भी आप सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ऑलरेडी वहाँ डिफॉल्ट सेव कर देंगे तो यहाँ पड़ा रहेगा। अगला ऑप्शन है, और डेस्कटॉप पे रखना खतरे से खाली नहीं रहे, कारण कोई भी चुरा सकता वहाँ रहे, एक बार जल्दी जान नहीं पाएगा लोग। फिर क्या है, हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ विंडो और कंप्यूटर के बारे में मदद ली जा सकती है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से मौजूद रहती है। इसे कंप्यूटर और विंडो के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ हेल्प एंड सपोर्ट होता है, वहाँ क्लिक करिए आपको मदद मिलेगी। अगर अभी तक आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सबसे पहले देखिए इस लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपके मोबाइल में आप कंप्यूटर में दिखाई पड़ रहा है, लाल बटन पे क्लिक करिए जिससे ये सब्सक्राइब हो जाएगा, और विंडो पे ये इस पे घंटी बजा दीजिए आप लोग, तो आपको जब भी हम वीडियो अपडेट करेंगे वो आपको मिल जाया करेगा। अगला ऑप्शन है शटडाउन,
देखिए ये हमारा राइट पैन में ही होता है शट डाउन, ठीक है, राइट पैन में सबसे नीचे शट डाउन बटन स्थित होता है। इसमें कंप्यूटर को बंद किया जाता है, नेक्स्ट एरो पर क्लिक करने पर कुछ और बटन खुलते हैं जिनमें स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रिस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट आदि शामिल है। देखिए ये हमारा शट डाउन बटन है। देखिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा नहीं समझ में नहीं आएगा। और अगर और इस विंडो को सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ से, और मतलब कि आप अपने विंडो नीचे देखेंगे सब्सक्राइब में लाल कलर का बटन होगा और एक ये विंडो होगी उस पर क्लिक कर दीजिए, आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका स्क्रीन चल रहा है यहाँ पे नहीं, स्क्रीन के नीचे जहाँ लिखा होगा राजेंद्रा प्रसाद आईटीआई उसके सामने देखिए, वहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा इस तरीके, उस पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बगल में बेल का आइकन है इसको दबा दीजिए। हम कंप्यूटर में दो तरीके से कंप्यूटर के प्रोग्राम कैसे ओपन करते हैं, कंप्यूटर को हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, और मन कैसे, पहला प्रोग्राम लिस्ट द्वारा, दूसरा सर्च बॉक्स द्वारा। ये हमारा सर्च बॉक्स, इसके जस्ट ऊपर होता है प्रोग्राम लिस्ट, ठीक है। अब प्रोग्राम लिस्ट द्वारा कैसे ओपन करना होता है, या किसी भी प्रोग्राम को खोलने का यह सबसे पहला और आसान तरीका है। इसके द्वारा निम्न स्टेप को फॉलो करके आप कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम को खोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू को ओपन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट मेन्यू खुलने पर उसके लेफ्ट पैन में देखिए, जैसे कि मैंने यहां दिखाया था, ये है आपका लेफ्ट पैन, ये है आपका स्टार्ट बटन, खोलेंगे उसके बाद ये देखिए ऑल प्रोग्राम दिखाई पड़ा है ना, ये सर्च के ऊपर है, यही आपको ओपन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या काम करिए, इसको ओपन कर लीजिए, अगर और क्लिक कर दीजिए यहां से प्रोग्राम खुल जाएगा आपका। अगर प्रोग्राम सूची नाम में नाम नहीं है तो ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करके आप कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रोग्राम और फोल्डर को खोलिए, यहां से आप अपने प्रोग्राम का नाम सूची में ढूंढकर खोल सकते हैं, ठीक है। अब आ गया सर्च बॉक्स के बारे में, देखिए इस तरीके का सर्च बॉक्स जैसा कि आप देखते हैं ये होता है आपके लेफ्ट पैन में। सर्च बॉक्स का काम क्या होता है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू को खोलिए और जिस प्रोग्राम को खोलना चाहते हैं उसका नाम लिखना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने gpedit.msc खोलना चाहा, यहां मैंने लिखा, जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे आपके सामने उस वर्ड टेक्स्ट से संबंधित सभी प्रकार के टेम्स यहां ऊपर दिखाई पड़ने लगेंगे, ठीक है, जो कि लेफ्ट पेन में दिखाई पड़ेंगे, ठीक। जैसे ही आपका प्रोग्राम सर्च रिजल्ट में आ जाए उस पर आप क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ये तो था आपका आज का टॉपिक, आज का टॉपिक आपका था कि विंडो स्टार्ट मेनू। अगर अगले टॉपिक को पूरे कंप्यूटर को बहुत ढंग से जानना है, अच्छे अच्छे एक एक चीज को जानना है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।